बुक है कंपटीशन का मैथ का, उसका जो है 106 नंबर हिसाब से आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करें, ताकि जो है उससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार वीडियो अपलोड करते रहे। और आपको जो भी नए नए साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक का पहला जो है आज का पहला हिसाब देखिए, 106 नंबर हिसाब कहता है कि 100 से 150 के बीच, 100 से 150 के बीच कारा इन दोनों को मिला लेना है ने? और कहता है कि कितने संख्या है जो 3 से भी नहीं कटना चाहिए और 5 से भी नहीं कटना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 3 से और 5 से कटने वाली संख्या को निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो n रहेगा यानी कि टोटल मान रहेगा हमारा, टोटल संख्या रहेगा, उससे हम घटा देंगे तो नहीं कटने वाला निकल जाएगा है ने? देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर कह रहा 100 से 150 के बीच, ठीक है, तो 100 से 150 के बीच संख्या कितना हो जाएगा, संख्या तो हो जाएगा हमारा 51, क्योंकि दोनों संख्या को लेना है ना, दोनों संख्या को लेना है। अब देखिए कह रहा है कि 3 से भी नहीं कटना चाहिए, तो 3 से नहीं कटने वाली, तो पहले 3 से कटने वाली, तो 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य लेंगे तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुने में d। अब देखिए tn पढ़ाए थे हम लोग, tn का मान अंतिमा पद जो होता है वो tn होता है, ठीक है, तो 150 होगी अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, तो 3 से विभाज्य, तो प्रथम पद आप 100 लीजिएगा तो अंतिम में कटेगा नहीं, लेकिन अगर 3 से विभाज्य वाला लीजिएगा, जैसे हम 3 से पहला कटते हैं 102, तो इससे क्या होगा कि आपका मान पूरा कट जाएगा, यानी 100 के बाद जो है 102 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये का मान प्रथम पद हो गया। अब n माइनस 1 n का मान निकलेगा, d मतलब सबसे अंतर जो है, यहां से जो हो जाएगा 150 बराबर 102 प्लस 3n माइनस 3, यहां पर देखिएगा हो जाएगा आपको 150 बराबर, यहां 3 घटेगा तो यहां हो जाएगा 99, ठीक है, 3 घटेगा तो 99 हो जाएगा, बराबर में यहां पर हो गया 3n, यहां के इधर घट जाएगा तो 150 माइनस 99 बराबर 3n, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, यहाँ हो जाएगा 3n, यानी n का मान जो हो गया आपको 17 आ गया, यानी 17 वैसे संख्याएं रहेगी जो 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए 3 से तो विभाज्य 17 निकल गया, उसी प्रकार से हम 5 से विभाज्य निकालें, कितना विभाज्य निकलें 5 से, तो 5 से निकालेंगे तो यहाँ भी वही होगा 150 बराबर 100 प्लस n माइनस 1 अगुने में d का मान 5। अब देखिए यहां पर कहिएगा कि 100 क्यों नहीं, 100 देखिए 5 से विभाज्य हो जाएगा तो प्रथम पद क्या हो गया 100 हो गया। यहां पर आपको ये सूत्र में समझ लीजिए फिर से, अगर नहीं समझे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, tn का मतलब अंतिमा पद, a का मतलब प्रथम पद जिससे विभाज्य हो रहा है, n का मतलब संख्या और d का मतलब सार अंतर, यानी दो पद का अंतर। अब देखिए यहां पर 100 यहां घट जाएगा तो यहां पर बचेगा आपको 50 बराबर 5n माइनस 5, यहां 5 दबा के जुड़ जाएगा तो 55 बराबर 5n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 11, 55, 11, यानी 11 संख्या और 17 संख्या, 17 यहां और 11 यहां, 17 और 11 कितना हो गया 17, 11 आपका 28 हो गया। आप देखिएगा कि 28 वैसे संख्या हो गए जो 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, लेकिन आप इसमें गौर कीजिए कि कुछ वैसे संख्या जो होगा जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी दोनों उसमें कॉमन हो गया, तो 5 दिया के 15। अब देखिए 15 से कटने वाली कुल संख्या, तो 15 से इसमें देखिए 100 के बाद 15 से कितना रहा, तो 15 से 75 से 15 8 20 से 15 9 35 से और 15 9 150, तो ये 4 संख्या जो आ गया वो क्या आ गया आपको, ये आ गया आपको जो है 15 से भी कटेगा, तो ये आपको कॉमन हो गया 4, तो 4 तो इससे घट जाएगा, तो 4 इससे घटा था यानी कितना बच गया 24 बच गया, यानी कि 51 में ये संख्या 24 हो गया वो कटने वाली संख्या हो गया, तो नहीं कटने वाली संख्या निकाल लेंगे, तो 51 में से 24 किया तो 11 में से 4 गया तो 7 और 4 में से 2 गया 2, यानी 27 वैसे संख्याएं होंगी जो कि 3 और 5 से नहीं विभक्त होगी। ठीक है, बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला हिसाब देखिए, अगला हिसाब में दिया हुआ है x पर पावर n माइनस a पर पावर n और कह रहा है x माइनस a से पूर्णतः विभक्त। अब सोचिए पहले कि कोई भी अंक पर कुछ भी पावर रहेगा और भागा देना है इसी से, ठीक है, तो निश्चित रूप से इससे ये कटेगा,
चाहे वो कितनों बार लिखी उसको कटेगा। तो वही बात यहाँ भी कह रहा है कि x पर पावर n है, a पर पावर n है और x माइनस से विभक्त है, तो बताइए कि यहाँ पर x x x n n का मान क्या होगा। तो n का मान कोई भी पूर्णांक संख्या होगा, यानी कोई भी हो, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। 108, दो संख्याओं का योग 1365 है, दो संख्याओं का योग कितना है 1365। कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को क्या करना, छोटी संख्या से भाग देना, तो कह रहा है भाग देने पर भागफल 4 हो जाता है। देखिएगा भागफल कितना हो जाता है 4 और शेष कितना हो जाता है, शेषफल जो हो गया आपको 15 हो रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए बड़ी छोटी की बात किया है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या पहले मान लीजिए, छोटी संख्या कोई ले लीजिए x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपको, तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपको 1365 माइनस एक्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करने पर भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 15। शेष भागफल यहां पर देखिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो यहां पर देखिए भाजक भाज्य पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, सेम चीज वही है, a बराबर bq प्लस r, यहां पर भी मान रख देंगे हम 1365 माइनस एक्स बराबर भाज्य का भाजक का मान x गुने भागफल कितना है 4 प्लस शेष कितना है 15। यहां हल कर दीजिए, यहां हो गया 4x प्लस 15 1365 माइनस एक्स, यहाँ देखिए माइनस एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा घट जाएगा 3x, इधर आके 15 घट जाएगा, तो 1365 माइनस 15 बराबर 4x, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में तो x, यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ घट जाएगा तो 1350, यानी x बराबर जाएगा 1350 बटे 5, 27 25 35, यानी 270, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 270। अब पूछ रहा है छोटी संख्या, तो x का मान, x को माने थे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या और कितना हो गया 270। बिल्कुल आसान सा हिसाब है, आप देख लीजिए बढ़िया फिर से, कह रहा है दो संख्याओं को जोड़ने पर 1365 होता, तो निश्चित रूप से दोनों को जोड़ेंगे तो 1365 आएगा, x से x कट जाएगा। अब कह रहा है कि भागफल 4 है और शेषफल कितना है 15, सेम वही है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 शेषफल 15 बचता, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, आराम से बना लीजिएगा। अगला हिसाब 8 8 8, देखिए तो जोड़ लीजिएगा एकदम आराम से, आपको 8 8 8 8 जोड़ लीजिएगा, 24 के 4 बाकी, तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए पहले, यहाँ पर देखिए 6 गुना हो गया। अब कह रहा है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यो योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो, 327 से कटना चाहिए, अब 327 से जितना शेष आएगा वही संख्या को हम जो है छोटी छोटी संख्या को जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, छोटी से छोटी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो है जोड़ी जाए। अब देखिए जोड़ी जाए कर रहा है, यहाँ पर देखिए 327 से डिवाइड कर दिए इसको, 3 3 9, यहाँ पर आपको हो जाएगा 27 81, ये हो जाएगा 9 में से 1 8 और 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ 9 उतरा, यहाँ 0 दीजिएगा तो यहाँ उतरा 9। ठीक है, अब देखिएगा 5 बार में लगाइए तो 7 5 35 बाकी से 3, यहाँ 5 10 3 13 बाकी 1 5 15 1 16, 9 में से 5 के कितना बचा 4, 9 में से 3 के कितना बचा 6, यहाँ पर उतर गया 2 और यहाँ पर उतर गया आपका 9। अब देखिएगा 8 3 24, 8 12 में लगा लीजिए, 8 7 56 6 बाकी 5, अब 8 3 16 5 21 बाकी 2, 8 3 24 2 26, यहाँ पर आपका बच गया 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यानी 33। तो 33 जो है ये संख्या कहता है, अगर यहाँ पर कहता है घटाने पर तो आंसर होता हमारा 33, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखिए 327 में से आप 33 को घटा दीजिए तो यहाँ 13 7 में से 3 गया तो 4 और यहाँ पर आपको 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9, यानी 294 को अगर हम और जोड़ देंगे तो वही कह रहा है कौन सी छोटी छोटी संख्या जो है जोड़ने पर ये ऊपर 327 से पूर्णतः विभक्त, यानी इतना हम आप जोड़ देते अगर तो निश्चित रूप से ये संख्या क्या होगा 327 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला हिसाब देखिए
111 नंबर पे कह रहा है एक्स गुने एफ गुने बी मॉडल में और बराबर माइनस ए बी। अब देखिए ये मॉडल में है, इसका मतलब होता है मॉड्यूल में रहने का मतलब होता है कि चिन्ह में उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा आपको एक्स गुने ए गुने बी बराबर माइनस ए बी, यानी एक्स बराबर माइनस ए बी बटा ए बी कट गया बराबर माइनस वन आंसर हो गया। तो इस तरह से माइनस वन क्या हो गया आंसर हो गया। 112 नंबर देखिएगा, स्टार का छोटा छोटा मान क्या होगा जिसमें सही 67 35 उसका स्टार दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, कहता है कि 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त, 9 से विभक्त हो। आप देखिए 9 से विभक्त हो कह रहा है, तो आप सोच सकते हैं 9 से विभाजिता का नियम आप लोग पढ़े हुए हैं कि जो संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है, संख्या का योग जो है 9 से अगर कटेगा तो वह संख्या 9 से भी पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 7 6 13 3 16 16 5 21 21 1 22। अब देखिए 22 तो कटेगा नहीं 9 से, कटा तो सकते नहीं हम, तो हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो 9 दुनी के 18 9 तिया 27, तो 27 अगला अंक आ रहा था, 22 में कितना जोड़ेंगे 27 से जाएगा 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका मतलब क्या होगा कि निश्चित रूप से वहां 5 रहता तो 9 से कट जाता, ठीक है, तो हमारा आंसर स्टार के यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा, भाग के एक प्रश्न में शेषफल बराबर 6 दिया हुआ है, देखिएगा शेषफल बराबर कितना दिया हुआ है 6। अब कह रहा है यदि भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल के तिगुने से 2 जोड़ने पर प्राप्त है। देखिए भाजक जो है क्या कह रहा है कि भाजक भाजक जो है शेषफल के 3 गुने से 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी 6 3 18 2 20 भाजक कितना हो गया 20 हो गया। और उसके बाद इसी में कह रहा था कि भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का कई गुना है 5 गुना, यानी 4 होगा, तभी तो इसका 5 गुना 20 होगा। फिर से देख लीजिए इसका 3 गुना से 2 अधिक है, यानी 6 3 18 2 20, और कह रहा है इसका 5 गुना है 5 गुना, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 4 हो गया। अब क्या कर रहा शेष कह रहा है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष 20 80 6 कितना हो गया 86 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसान सा हिसाब है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 113 का आंसर हो गया 26, ठीक है। अगला हिसाब देखिए, देखिएगा कहता है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 बचता है, तो कह रहा है कि शेषफल जो शून्य है तो इस संख्या को 67 से भाग देना, जब देखिए 68 से भाग देता है तो शेषफल जो है शेषफल शून्य बचता है, भागफल 269 बचता है, कह रहा है इसी संख्या को 67 से भाग देना, तो इस तरह का हिसाब को डायरेक्ट भागफल से भाग दीजिए आपको जो है डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 67 से भाग दे दीजिए आपको तो 67 से जब भाग देने हम तो 6 4 24 28 बाकी 2 6 4 24 26 9 में से हट गया 1, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 1 हो गया, यानी शेषफल क्या होगा 1 बचेगा, ठीक है। 115 में देखिएगा कहता है 1000 से कितनी छोटी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों की गुणज हो, तो देखो 10 और 13 दोनों से गुणज है, यानी कि 10 और 13 का एलसीएम कितना होगा 130, यानी 130 से कटना चाहिए, तो 1000 से, इसके लिए तो एपी का फॉर्मूला लगाना ही बेकार है, आपको इस तरह का बड़ा अंक दे और डायरेक्ट जो है फेर का पहाड़ा पढ़ दीजिए निश्चित रूप से निकल जाएगा। 130 तो 13 2 26 13 3 39 13 4 52 13 25 65 13 6 78 और 63 91, ठीक है, 63 91 इतना संख्या जो है 130 से क्या होगा 13 से और 10 से विभक्त होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सात संख्याएं जो है वो क्या होगा 13 से और 10 से विभक्त होगा। इस तरह के संख्या में सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप जो tn बराबर जो सीखे हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d वो सब आपको लगाना है तो परीक्षा हॉल में आपको टाइम को बर्बाद करने का वो उपाय है, आप जो इस तरह का हिसाब को डायरेक्ट एकदम पहाड़ा पढ़ दीजिए आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा पास करना वहां दिखाना नहीं कि क्या हम बना रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी टिक मारना है, ठीक है। अगला हिसाब देखिए, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, देखिएगा 5 से जब भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है, और कहता है कि इसी संख्या के वर्ग को जब हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, बढ़िया देखिए, किसी संख्या को कोई भी संख्या मान लीजिए, संख्या को 5 से जब हम भागा देंगे तो शेष 3 बचेगा, तो निश्चित रूप से देखिएगा दिमाग में आप पहले लगाइए
कंपटीशन में देखिए ज्यादा जितना शॉर्ट तरीका सीखिएगा उतना बेहतर होगा। माइंड को ज्यादा लगाइए वहां पर, दिमाग को ज्यादा, इन्हें कि हम इस प्रकार से इसको बना देंगे, बनाना नहीं जल्दी बनाना, बड़ी बात ये रहती है। तो यहाँ पर किसी संख्या को पांच से जब हम भाग देंगे तो शेष तीन बच रहा है, यानी ये संख्या क्या होगा, निश्चित रूप से आठ होगा। सबसे छोटी से छोटी मान के लेके हम चलते हैं तो आठ होगा। तो अब देखिएगा ये जो है यहाँ पर एक बार लगाएंगे तो पांच या तीन शेष बचा। अब कह रहा है संख्या के वर्ग को हम पांच से भाग देंगे। चलिए संख्या ले लेते हैं, संख्या के वर्ग ले लीजिए तो संख्या के वर्ग कितना आ जाएगा, संख्या के वर्ग चौसठ हो गया। अब इसको पांच से हम जब भागा देंगे तो देखिए इसको पांच से भागा देंगे तो पांच से इसको हो जाएगा पांच एकम पांच, एक और चार, पांच दुनी के दस, शेष कितना बचा चार, यानी हमारा आंसर कितना गया चार आ गया। तो इससे शॉर्ट तरीका आपको जो है नहीं मिलेगा, ये आप शॉर्ट तरीका का इस्तेमाल कीजिए, माइंड को दिमाग में लगे, ये नहीं कि आप जो है क्या कीजिए कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, माना कि भाज बराबर उस तरह से आप उस तरह से बनाइएगा तो आपका हिसाब बनेगा, आंसर भी चार आएगा, लेकिन टाइम जो है वो आपको इसका चार गुना आपको टाइम लगेगा। इसलिए आप जो है वही मेथड का इस्तेमाल कीजिए जिससे समय की बचत हो और जल्दी आंसर भी आपका प्राप्त हो और माइंड में जो है ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए गए वहां पर ये नहीं दिखाना है आपको काबिलियत नहीं, आप जितना जितना स्मार्ट तरीका का प्रयोग कीजिए। अगला हिसाब देखिएगा, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो n पर पावर 3 माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो। अब देखिए प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या अगर एक लेते हैं तो एक माइनस एक बराबर जीरो हो जाएगा, इसलिए हम एक को नहीं लेंगे, हम दो से ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दो का क्यूब माइनस दो, तो यहाँ पर देखिए दो दूनी चार दूनी आठ, तो आठ में से दो गया तो कितना बचा छह, यानी छह जो है सबसे जो है बड़ी विभक्त करने वाली संख्या होगी, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा छह हो जाएगा। 118 नंबर देखिएगा, कहता है आपको एक के स्क्वायर दो के स्क्वायर तीन के स्क्वायर डॉट 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 बीस के स्क्वायर बराबर 2870 दिया हुआ है, तो कह रहा है दो के स्क्वायर चार के स्क्वायर छह के स्क्वायर डॉट 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 40 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो के स्क्वायर प्लस चार के स्क्वायर प्लस छह के स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना 40 के स्क्वायर, ये हमको निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं दो गुने एक, ठीक है, क्या स्क्वायर हो जाएगा दो गुने दो क्या स्क्वायर हो जाएगा दो गुने तीन क्या स्क्वायर हो जाएगा प्लस या आपको हो जाएगा दो गुने बीस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये फैक्टर हो गया। अब हम इसको अलग अलग भी फैक्टर करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये देखिए दो क्या स्क्वायर गुने एक क्या स्क्वायर प्लस दो क्या स्क्वायर गुने दो क्या स्क्वायर प्लस दो क्या स्क्वायर गुने तीन क्या स्क्वायर प्लस दो डॉट 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 आपको कहाँ तक दो क्या स्क्वायर प्लस बीस के स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है हमारा गुणनखंड बन गया। अब देखिए सब में देखिए दो के स्क्वायर सब में है, तो सब में जब है तो क्या कीजिए दो स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, जब दो स्क्वायर को सबसे बाहर निकाले तो बचा एक के स्क्वायर प्लस दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक 20 के स्क्वायर बचे। अब देखिए इसी का मान दिया हुआ है कितना 2870, ठीक है, अब दो के स्क्वायर कितना होता है चार, चार से इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको जीरो, सात चौका 28 के आठ बाकी दो, आधी आठ चौक 32 और दो 34 के चार बाकी तीन, और उसके बाद चार दूनी आठ और तीन 11, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 11480। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, ये जो है आपको जो है ज्यादा ये नहीं कि सूत्र कोई लगाना है, कोई सूत्र नहीं, जो दिया है उसको मान को हम सिर्फ कॉमन निकाल दिए, बाकी जो दिया उसको बैठा दिए, एकदम सिंपल तरीका। 119 नंबर हिसाब देखिएगा, 5000 से अधिक कौन सी ऐसी छोटी छोटी संख्या होगी जो 73 से पूर्णतः विभाजित होगी। अरे 73 से कटना चाहिए कौन संख्या 5000 से अधिक, मतलब 5000 के बाद जो है जो कौन ऐसी पहली संख्या आएगी जो 73 से कटेगी, तो जो शेष आएगा उसको हम जब इसमें घटा देंगे और जो बचेगा वही जो है हमारा उसमें जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा। तो निश्चित रूप से देखिए 73 से अगर हम जो है डिवाइड करते हैं तो इसको देखिए भागा दीजिए छह बार में लगाएंगे, छौती 18 बाकी एक सात छः 42 एक 43, इस तरह से ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 9 में से 3 गया तो ये 6, यहाँ पर 0 उतर गया। अब यहाँ पर भी देखिए लगाइएगा तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपको 8 बार में लग जाएगा, 8 बार में लगाएंगे तो 8 किया के 24 के 4 बाकी 2, और यहाँ 8 से 56 और 2 58,
यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर हो गया 11 में से 8 गया तो 3। तो यहाँ पर आंसर है, आंसर जो है ये आंसर नहीं है बल्कि शेष बचा 36। अब देखिए ये 36 जो है घटाएंगे यहाँ, लेकिन कह रहा है कि कौन से छोटे छोटे संख्या जो है 73 से 75 विभक्त हो, 5000 से अधिक कर, अगर कहता 5000 से कम तब हम इसको घटाते, लेकिन कह रहा है अधिक तो जोड़ना है, तो जोड़ेंगे इसको 73 माइनस 36। यहाँ पर 13 में से 6 गया तो 7, और 4 में से 3 गया तो 3, यानी 37 को अगर हम जोड़ देंगे यानी 5037, ये हमारा जो है आंसर हो गया, ये जो है निश्चित रूप से 73 से विभाजित है। ठीक है, अगला देखिए 120 नंबर में कहता है 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230 दिया हुआ। ये देखिएगा इसमें क्या किया है, इसमें h को इधर लिखा, इसमें h को इधर लिखा, इसमें भी h को इधर लिखा, लेकिन जब ये गुना में है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जब गुना में रहेगा तो जो है निश्चित रूप से ये जो है h का मान जो है सबका बराबर होना चाहिए। h का मान क्या होना चाहिए, जो भी यहाँ एच है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, तो ये एच का मान नहीं पूछ रहा, ये नहीं कि आप इसको ऐसे बना दीजिए 8, 9, 17, 26, 27, 28, 17, 17, 26, 23, एच बराबर 230, यानी एच बराबर 230 बटे 23, 23 दहाई के 230, एच बराबर कितना जाएगा 10, ये एच बराबर 10 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एच का मान रखाना है, कितना रखाएगा कितना रखाएगा, ये आपको दिमाग को मतलब चेक कर रहा है आपको कि क्या होना चाहिए एच का मान, ये आंसर 10 नहीं होगा, बल्कि आंसर देखिए क्या होगा आपको, यहाँ पर ये वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, सब जगह सेम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 10 जो है ये हमारा जो है ये हम 10 जो है हमारा कॉमन आया, यानी ये जो है 10 हमको इससे प्राप्त हो सकता, तो 10 इससे हमको प्राप्त होगा तो ये हो जाएगा 10 × 90 प्लस एच, इससे हम करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 10h प्लस कितना 8, इससे करेंगे हम तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10h प्लस 6 बराबर कितना 230, यहाँ पर हो जाएगा 90 और 8 98 और 6 आपको हो जाएगा 104, यहाँ पर हो जाएगा आपको 10, 10, 20, 21h, यहाँ पर 21h हो जाएगा, यानी 21h बराबर 230 माइनस 104, तो यहाँ पर 21h बराबर आपको जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर आपको गया 2 में से 0 गया 2, तो इस तरह से हमारा जो है घट के आएगा 126, h का मान 126 बटे 21, 21 6 26 से, यानी h बराबर जो है ये हमारा आंसर कितना गया, तो ये एच बराबर आंसर हमारा 6 हो गया, यानी हम हर जगह 6 रखेंगे, यानी 9 6, यहाँ पर 6 रखेंगे 6 8, यहाँ पर 6 रखेंगे 6 6, अगर इस तीनों को हम जोड़ेंगे हमारा आंसर कितना गया 230, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 230, और एच का मान कितना गया 6 आ गया। तो इस तरह से आज जो हम इस पार्ट में 120 तक पूरा किए, आप लोग क्या कीजिए इसको रिवीजन कीजिए, ताकि जो है इसको प्रयास जो है आप निरंतर करिएगा तो भूलिएगा नहीं, और उसके साथ साथ जो है आप जो है आगे पार्ट जो है उसको भी देखिए, ताकि यह चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद अगला चैप्टर जो भी आएगा हम उसको तुरंत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी इस वीडियो पर नए आए हैं वो जो है आप निश्चित रूप से उसको क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और सामने बेल बटन है यानी जो बेल आइकन का जो साइन दिया हुआ उसको दबा दीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास जरूर पहुंचे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि इस नंबर का प्रश्न को हमें समझ में नहीं आया, या फिर इस क्वेश्चन में हमको त्रुटियां नजर आ रही, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतर कर पाएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।